दोस्तों बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला उड़ीसा वर्सेस इंडियन रेलवे के बीच। विकास कंडोला एंड पवन शेरावत बेहतरीन जोड़ी भाई रेलवे के लिए, लगातार 3 बार खिताब जीत चुकी है रेलवे। भैया पवन शेरावत ये दोस्तों उड़ीसा की टीम बेहतरीन टीम है। इधर इंडियन रेलवे की टीम लगातार 3 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी है और 4थी बार भी खिताब पर कब्जा करना चाहेगी टीम। दोस्तों टॉस होता हुआ उड़ीसा वर्सेस इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैप्टन है पवन शेरावत। बेहतरीन टीम बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा उड़ीसा वर्सेस इंडियन रेलवे के बीच। पहला मुकाबला 69 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप चरखी दादरी में चलता हुआ मुकाबला और टॉस जीता है इंडियन रेलवे ने और चूज किया है कोर्ट। पहली रेड मिलेगी देखने के लिए उड़ीसा की तरफ से। उड़ीसा की टीम नई टीम है, युवा है, लेकिन एक तरफ अनुभव, जोश और लगातार जो कॉन्फिडेंस है, 3 बार से जो जीत कर आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंस बना हुआ है, और दूसरी तरफ उड़ीसा। पहली रेड उड़ीसा की तरफ से, पहली रेड उड़ीसा की तरफ से। एक नंबर खिलाड़ी सामने, अनुभव और कॉन्फिडेंस है लवरेज, लेकिन देखना होगा क्या उड़ीसा टक्कर दे पाएगी हरियाणा सर हरियाणा को। इंडियन रेलवे की टीम हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी इसमें। पहली रेड 7 नंबर खिलाड़ी, रोहित गुलिया बेहतरीन खिलाड़ी भाई। पहली रेड एम्प्टी रेड, क्या 9 नंबर सेल्फ आउट हुए हैं, बिल्कुल सेल्फ आउट हुए हैं और बोनस +1 पॉइंट। आठ नंबर खिलाड़ी, पहला मुकाबला सीनियर मेंस 69 चैंपियनशिप चरखी दादरी में चलता हुआ और इंडियन रेलवे वर्सेस उड़ीसा। सेल्फ आउट हुए हैं, बिल्कुल सेल्फ आउट हुए हैं रोहित गुलिया एक बार फिर रेड में। उड़ीसा के वाले में 4 खिलाड़ी कोर्ट में बचे हुए हैं, मुकाबला एक तरफा चल रहा है बिल्कुल। 4 स्कोर इंडियन रेलवे, 5 हो चुका है स्कोर और 0 खाता खुलना उड़ीसा का बाकी। क्या खाता खुलने से पहले थर्ड रेड है, डू रेड है 7 नंबर खिलाड़ी। क्या बेहतरीन की क्या ये हाँ कमाल। रोहित गुलिया एक बार फिर रेड में, 2 का डिफेंस, 2 खिलाड़ी कोर्ट में, क्या ऑल आउट मिलेगा पहला और स्कोर हो चला है 6-0। बिल्कुल एक खिलाड़ी, लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं, 7-0 स्कोर। बोनस दिया है बिल्कुल, जानती है टीम, बेहतरीन टीम इंडियन रेलवे वर्सेस उड़ीसा चलता हुआ मुकाबला। बिल्कुल अंदर चले गए थे, ऑल आउट मिला है, मैंने पहली बार खाता को जरूर खुला है। 10-1 स्कोर हो चला है, पवन शेरावत पहली बार रेड में। स्कोर 14-1।
एन नितिन रावल का कमाल, बेहतरीन पकड़। विकास कंडोला एक बार फिर मुस्कुराते हुए, दो खिलाड़ी कोर्ट में। क्या पहला सुपर टैकल देखने को मिलेगा, और बिल्कुल सुपर टैकल देखने को मिला है, बेहतरीन सुपर टैकल। ओडिशिया का कमाल, बेहतरीन सुपर टैकल पहली बार। पांच नंबर खिलाड़ी बिल्कुल वॉक लाइन के ऊपर, टीम एक पॉइंट और इंडियन रेल को। और रोहित गुलिया रेड में, क्या विकास कंडोला की तरह रोहित गुलिया को भी सुपर टैकल करेंगे, लेकिन नहीं, एक बार फिर ऑल आउट टीम। ऑल आउट के बाद एक बार फिर उड़ीसा के तीन नंबर खिलाड़ी इंडियन रेलवे के पाले में, बेहतरीन टीम इंडियन रेलवे। क्या यहाँ कमाल होगा, लेकिन नहीं, पहली बार नितिन लाल बाहर। पवन सहरावत एक बार फिर शिरकत करेंगे 17 नंबर गेट के साथ उड़ीसा के पाले में। सात नंबर को किया है बार, बिल्कुल स्वीकार किया है। चार खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट किया है, तीन नंबर खिलाड़ी एक बार फिर। फर्स्ट हाफ का मुकाबला मोहित को बार किया है, पहली सब्स्टिट्यूट होने के बाद पहली बार बार मोहित। पंकज मोहित, क्या बेहतरीन बोनस है, क्या सुपर रेड देखने को मिलेगी, पहली सुपर रेड शायद, बोनस का प्रयास था, बोनस प्लस टू पॉइंट, सुपर रेड पहली रेड सुपर रेड पकड़ की। छह नंबर खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से, टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है एक बार फिर, गेम स्टार्ट, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया था। एक नंबर खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से, बहुत अंदर तक मारा है। क्या कामयाब होंगे, बिल्कुल कामयाब हुए हैं। रवि 9 नंबर को किया है बाहर, स्कोर है 5-22, 22 इंडियन रेलवे और 5। क्या बेहतरीन नंबर, सुपर, ये गजब का रनिंग टोटस था, हैंड टच तक किया है, बेहतरीन टोटस करने का प्रयास था, लेकिन हैंड टच। 9 नंबर खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से, नीतीश है 2 नंबर में और राइट कॉर्नर में। रोहित गुलिया एक बार फिर, चार खिलाड़ी कोर्ट में। बिल्कुल शांत प्रिय चलता हुआ मुकाबला, एक तरफा मुकाबला चल रहा है, स्कोर 22-5 है। एक नंबर खिलाड़ी बिल्कुल धराशाई कर दिया है, चयन में फंसाए हैं, बिल्कुल अंदर तक प्रयास, बोनस का प्रयास था। पंकज एक बार फिर,
मुकाबला बिल्कुल शांत प्रिय चलता हुआ, स्कोर 33 है। ये बेहतरीन डेस्क करने का प्रयास था 7 नंबर का, लेकिन फेल होता हुआ टकल। स्कोर 34 हो गया है। एक नंबर खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से बोनस का प्रयास है क्या नीतीश और मोहित पर, लेकिन नहीं, नीतीश बाहर हैं। धीरे धीरे स्कोर एक एक पॉइंट के साथ बढ़ता जा रहा है उड़ीसा का। रोहित एक बार फिर 7 नंबर के साथ लगाने का प्रयास राइट कॉर्नर को, 3 नंबर को। और ये बेहतरीन पकड़ है उड़ीसा, धीरे धीरे अपना जो पॉइंट है स्कोर करता जा रहा है। 6 नंबर खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी कोर्ट में। आठ 34 स्कोर। नवीन आए हैं इस बार, नवीन भी बेहतर इंडियन रेलवे की तरफ से। 4 नंबर खिलाड़ी, बोनस ऑन है, क्या बोनस मिलेगा? बिल्कुल बोनस दिया है। हाफ टाइम हो गया है, हाफ टाइम के समय स्कोर है 37-9, 37 इंडियन रेलवे और 9 उड़ीसा। मध्यांतर के गेम बाद गेम स्टार्ट, नवीन करेंगे पहली रेड मध्यांतर के बाद। मध्यांतर के समय स्कोर है 37-9। नवीन 4 नंबर के साथ 4 के डिफेंस में। टोटच करने का प्रयास और बिल्कुल एक नंबर के साथ उड़ीसा की तरफ से 3 खिलाड़ी पंकज पर अटेम्प्ट था। नवीन एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है 3 खिलाड़ी कोर्ट में। 1 नंबर कर दिया है बार। और बिल्कुल पकड़ हुई है, लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में बचा हुआ है। बार नंबर खिलाड़ी और इनके बाद श्री कुमार विजय महासचिव बिहार कबड्डी एसोसिएशन बिल्कुल स्वीकार किया है। 9 नंबर पर अटेम्प्ट था, 2 खिलाड़ी कोर्ट में बचे हुए हैं। रवि पर अटैम्प्ट था, बिल्कुल रवि ने स्वीकार किया है। 3 खिलाड़ी फिर कोर्ट में। अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, स्कोर 41-40 हो चला है। उड़ीसा धीरे धीरे जो स्कोर है, जो लीड है, उसको कम करती हुई। नवीन पर डैस है। उड़ीसा का लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में। से
बोनस लिया है, दिया है बोनस, क्योंकि जानते हैं बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। नितिन रावल बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर पर काम करते हुए और टेस्ट किया है जबरदस्त और ऑल आउट। भाई दोस्तों, ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चल रहा था, जिसकी वजह से हाथ मिल चुका है और स्कोर है भी 19 उड़ीसा और 51 इंडियन रेलवे। बेहतरीन टीम है ये, टीम आगे राउंड में क्वालिफाई की है, अभी क्वालिफाई नहीं की है, जो गेम चल रहा है पूल वाइज मैच है, चार पूल में टीमों को रखा गया है, इंडियन रेलवे के साथ उड़ीसा और बिहार है पूल में, तीन टीमें हैं, बाकी सभी में चार चार टीमें हैं, 31 टीमें हैं टोटल। थैंक यू दोस्तों, आगे वीडियो डालता रहूँगा मैं आपके लिए ऐसे ही। ये मुकाबले एक तरफा मुकाबला था बिल्कुल, लेकिन टीम बेहतरीन थी उड़ीसा भी।